अभी हम गाजा की तरफ मुड़े ही हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा तेज हवा है यहाँ पे। हाँ, मालिंग पे नहीं रुकेंगे या मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ तो मुझे। अच्छा, ये गिरा है मेरे ख्याल से, क्या वो मन्नी सोम रुक गया। अभी कुछ पत्थर गिरे मेरे ख्याल से, तो अब हम फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। बस यही है, अभी अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि डरने की बात है, बस आप सब जगह अटेंटिव रहिए, देखते रहिए, बी कॉशियस, जल्दी मत मचाइए किसी भी जगह जाने के लिए। जान है तो जहान है, करेक्ट, आराम से चलिए, एंजॉय कीजिए वादियों को, बहुत सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर जगह है। दिस इज पू, है ना? अच्छा, हम अभी पू, मैं बचपन में पू कार्टून देखता था, बट आज मैंने फर्स्ट टाइम बचपन में एक, मतलब बड़े होने के बाद पू प्लेस देखा है। याद है तुझे पू कार्टून? हाँ, तो आई थिंक दे वर इंस्पायर्ड बाय दिस प्लेस और व्हाट, आई डोंट नो। पहले तो इसका कोई लिंक ही नहीं है पू प्लेस का, बट पू प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू लाइक दैट कार्टून वेरी मच। दीज आर इग्लू हाउसेज, ओह दीज आर इग्लू हाउसेज, और ये मेरे ख्याल से ठंड में काम आते हैं। वैसे मुझे पता नहीं कि किस काम आते हैं, बट ओ ये मिलिट्री ओन्ड है। अच्छा अच्छा, दिस इग्लू इज़ मिलिट्री ओन्ड। हाँ, ठंड में काम आता था, तो मेरे ख्याल से उसी लिए बनाया, भाई मिलिट्री ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा। दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस, बट दैट एरिया इज नॉट फॉर टूरिस्ट, दैट इज़ वन। ओके, ये सोम रुक के यहाँ पे फोटो खींच रहा, मेरे GoPro की बैटरी थोड़ी बहुत बची है। जवान जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान। कितना सुंदर है यार ये, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस पे वो कर रखा है, बट ये मेरे ख्याल से है क्या यार, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, वो ब्रिज, हम उस ब्रिज को क्रॉस करके जाएंगे ना। हाँ, सतलुज नदी और उधर से स्पीति नदी आ रही है, और ये कितना तेज फ्लो है यार। देख, बट इसके माउंटेन्स में ना कुछ वो है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, टेक्सचर है ये बना हुआ ऐसा। हाँ, मतलब ये, मतलब ये वाइट और ये ब्लैक, यहाँ के माउंटेन्स थोड़े से डिफरेंट हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं शायद, पता नहीं यार GoPro जस्टिफाई कर देता है क्या, पता नहीं, मेरे ख्याल से कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, कर ही रहा होगा। ये ब्रिज जो है ये स्पीति वैली में जाने के लिए है, तो हमने अब क्रॉस कर दिया है किन्नौर और हम एंटर कर गए हैं स्पीति वैली। ये स्पीति वैली है, सॉरी, अच्छा ये स्पीति वैली नहीं है, तो हम स्पीति के लिए एंटर कर गए हैं किन्नौर ब्रिज को वो करते हुए पार किया, और ये स्पीति रिवर है जो हमारे साइड में बह रही है इस तरह। और ये वैली देख, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्पेसशिप की परछाई वहाँ पड़ रही है, और ये बादल की परछाई है। ओहो, GoPro मेरा खब बंद होने वाला है यार। कौन सी जगह है ये, मून लैंड बोलते हैं इसे। अच्छा अच्छा, ओके, दिस इज काइंड ऑफ मून ही है, मून ऐसा ही फोटोज में हम देखते हैं, सोचते हैं तो मून ऐसा ही दिखता होगा शायद। यार क्या जगह है यार मन्नी, कितनी सही जगह लाया तू हमें, और ये जो मिरर है ये ऑब्स्टैकल डाल रहा है मेरे व्यू में, लेकिन मैं अगली बार दूसरा माउंट लेके आऊँगा। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं सोम का, मिस्टर सोम पता नहीं कहाँ है। यह मैप बंद कर दूं क्या? अब मुझे सब पता है। ठीक है, मैं मैप बंद कर देता हूँ और इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। अभी 65 किलोमीटर है भाई। न,
नहीं नहीं सुन, मेरे को पता क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे अभी जेडाई निकल आएगा, मैं स्टार वॉर्स का यहाँ पे एक केब होगी, जेडाई आएगा। मैं ये हम आ गए हैं चंद्रमा की दूसरी साइड पे भाइयों और बहनों। ये हम चंद्रमा के ऊपर, इंडिया ने रोड बना दी है भाई। मैं भी यार यहाँ पे चलाने में ना फन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो क्राउड नहीं है, खाली रोड है, कोई मिल ही नहीं आई, कोई मिल है ही नहीं भाई। जहाँ तक नजर जा रही है मेरे को एक भी बंदा नहीं दिख रहा, और ये राइट टाइम है यहाँ पे मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए आने का। बस मेरे को एक फील हो रहा है कि एक्चुअली जिस तरीके का हमारा राइडिंग का हम पसंद करते हैं, तो हमारे पास KTM 390 होनी चाहिए क्योंकि उसका वेट रेशियो भी मेरे को अच्छा लगता है, लाइट मोटरसाइकिल है और पावर भी सही है भाई। KTM 390 से आएंगे अब मेरे सिर्फ मेरी 38 ऑडियंस जिनको मैंने हाथ जोड़ जोड़ के सब्सक्राइब कराया, उनको मैं ये वैली दिखाऊंगा। नहीं मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ गया हूँ वहाँ गया हूँ, फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, कोई देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। उसमें से कोई एक होता है बंदा जो सुनना चाहता है। स्पीड इज़ नाइफ दैट कट्स लाइफ, वेरी नाइस वी आर ओ वी लव यू फॉर मेकिंग दीज रोड्स एंड लेटिंग अस टू एक्सप्लोर। लॉर्ड मालिंग, अच्छा जो सबसे खतरनाक नाला है, ये नाले हमें अच्छे से क्रॉस कराना। जय हो जय हो। अभी हम रुके थे इस जगह फ़ोटो खींचने के लिए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं मालिंग नाला। द शूटिंग स्टोन ड्राइव केयरफुली इस पे लिखा हुआ है, और इसको कर दिया हमने पहले गियर पर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बनाएगी यार यहाँ पे। हाँ बनी हुई है। अच्छा बनी, अच्छा ये तो खूब खतरनाक ऑफ रोड मतलब है, अच्छा खासा है। बाइक में प्रॉब्लम, हाँ यार इसमें इस ऐसी जगह के लिए ना आपका सस्पेंशन ट्रैवल अगर अच्छा हो तो मज़ा आ जाता है। हमारी एक्चुअली सिटी बाइक है, बट हम उसको इस कंडीशन में ले आए हैं तो इसलिए ठीक भी है। बट हाँ मैं सिटी बाइक के हिसाब से नहीं, मैं अगर यहाँ भी आना तो मैं सिर्फ इस पैच, क्योंकि ये देख बाइक तो वो भी चल जाएगी रोड पे, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं चलेगी बाइक, तो ये भी चल रही है। बट हाँ स्पेसिफिकली ऑफ रोडर में ये एडवांटेज होता है कि जब भी अगर आपका मन भी कर गया तो आप चलो उसे हिम्मत कर देते हो कि चल यहाँ ले जाना, कोई और कौन सा हमने ऑफ रोडिंग ऐसी करनी है। हाँ खैर ये तो है भाई, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी ले रहा है ये फ्री इससे। मेरे को डर था कि ये ऐसे नहीं चलेगी भाई, बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल बनाई है यार आरी वालों ने। खैर भाई इतने बड़े बड़े बंदे इस पर रिसर्च करते हैं, होगी चल चलें। वापस अब हम जा रहे हैं, अब कुछ खाएंगे और फिर हम टाबो मॉनेस्ट्री देख के आराम से चलेंगे। हाँ यार ये थोड़ा सा ना मोटरसाइकिल पे ध्यान तो, ये थोड़ा रिस्क तो है ही,
ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे, मैं इसलिए स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं करता। फिर वो सबसे अच्छा है बीआरओ ने जो बीच बीच में वो लगा रखे ना स्लोगन्स, वो आपका एक तरीके का चेक पॉइंट होता है कि हाँ भाई धीरे कर लो खाद में आ जाओ करेक्ट, कि तुम वहाँ नहीं हो। वैसे तो यार सही बताऊँ तेज़ तो चलानी नहीं चाहिए, पर ये गांव देख यार कहाँ कहाँ बसे हुए हैं यार पीपल, ये मतलब क्या जगह यार, कितना कुछ है देखने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं टाबो मॉनेस्ट्री की तरफ, मेरे ख्याल से जब हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था तो 26 किलोमीटर था, अभी मे बी 20 के आसपास बचा होगा। ये स्पीति रिवर है, अभी हम सुमडो से आगे आ गए हैं ना, एंड वी आर गोइंग टू गियो, जो वो है देखिए गियो मॉनेस्ट्री। ओके हमें किधर जाना है, इधर। अच्छा ये है गियो मॉनेस्ट्री का। ओके ओके हाँ देख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे पानी भी खतरनाक है। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं ग्यू मॉनेस्ट्री की तरफ, अब फिर हम जाएंगे वहाँ से काजा वापस आके, यहाँ से 8 किलोमीटर है ना ग्यू मॉनेस्ट्री, करेक्ट करेक्ट। और ग्यू मॉनेस्ट्री के पास हमें खाना मिलेगा, ओके साइड दे देते हैं साइड साइड। कहाँ जा रहे हैं हम, अब किधर जाना अपने को सीधा। मेरे पास भी है फाइव हंड्रेड, पहले पूछ 500 का चेंज हो जाएगा। चलो यार पहले बाइक रख के फिर खाना खाते हैं उसके बाद, एक मिनट मैं एक मिनट लेता हूँ। हाँ हाँ वैसे हम अंडे उसमें डाल देंगे। हाँ हाय गाइस, तो अभी हम हैं ग्रू मॉनेस्ट्री में और विज़िट कर लिया हमने। यहाँ पे एक मम्मी हैं जो मेरे ख्याल से 1480 मतलब काफ़ी टाइम से फ्रोज़न थी।
तो हमने ग्यू मॉनेस्ट्री को विज़िट कर लिया और अब हम जाने वाले हैं कांसा की तरफ। तो मे बी मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, विल सी वी कैन रिकॉर्ड। और अंधेरा भी होने वाला है, इट्स ऑलरेडी 6:30, पता नहीं हमें टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल दिस प्लेस, अगर आप देख पाएंगे। काजा की तरफ पहले पड़ेगा टाबो, फिर आएगा काजा। सबसे आगे ये जो चल रहा है मोटा लाल परी हमारी, इसका नाम है सोमनाथ। और उससे भी आगे जो हमारा संतरा चल रहा है वो संतरा जो है और जो पीछे ग्रीन कलर का हीरो चल रहा है वो हूँ मैं, आपका अपना प्यारा विभव पांडे। सबसे आगे बीजेपी का भगवा कलर नहीं है ये, अपने आप को नेता कहने की कोशिश कर रहा है, पर ये संतरा है। चल ठीक है यार, तो यही वाली है, अभी हम जा रहे हैं टाबो की तरफ, फिर टाबो के बाद हम जाएंगे काजा, विल स्टे इन काजा। तो ये है काजा का रास्ता, जो कि रादर बोलूं कि टाबो का रास्ता, कहते ग्यू मिनिस्ट्री से लेके टाबो तक का, जो कि बेहद सुंदर है। अगेन दीज आर माउंटेन डेजर्ट्स और वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट ओके, आगे एक कंकड़ है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है और आराम से जाना है, मैं बहुत ही प्यार से ले जाऊंगा। देखिए अभी हो रहा है 7:28, लेकिन यहाँ पे अभी तक अंधेरा नहीं हुआ, जबकि अगर हम दिल्ली में होते तो अंधेरा जाता। अभी भी ये मतलब सही ब्राइट है, ऐसा लग रहा है कि 5 बजे होंगे, लगभग 6 बज रहा होगा। वाह यार, ऐसा क्यों है ये नहीं पता है मन्नी। ये जो टाइम है ये है 7:28 का अभी। वाह, ये देखिए, ये स्पीति का 7:32 का व्यू। तो भाइयों बहनों, ये है एक्चुअल ब्यूटी। अभी टाइम हो रहा है 7:40, ये बह रही है आपकी नदी, सामने ढलता हुआ सूरज। और ये कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं टाबो 58 किलोमीटर्स, काजा जा रहे हैं, जो कि 58 किलोमीटर दूर है। 1:31 दिखा रहा है, बहुत सुंदर जगह है ये, एंड मतलब आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे आया और मैं बार बार आऊँगा इनफैक्ट। और ग्यू मॉनेस्ट्री में भी होम स्टे है, बट वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, तो आपको होम स्टे मिल जाएगा अगर आप ग्यू मॉनेस्ट्री में के पास जो ग्यू विलेज है उसमें रहना चाहते हैं। तो मैंने भी वहाँ का नंबर लिया है और उनको फ़ोन करके मैं वहाँ पे बुक कर सकता हूँ, और नहीं तो अगर आप यहाँ आएंगे तो वहाँ मेरे ख्याल से टूरिस्ट ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं। बट अगर आपको अपनी लाइफ से कट आउट करके फ़ोन वोन नहीं चले, उनसे दूर रहना है और आपको उस टाइम सुकून के बिताना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो ओवर देयर।
चलिए अब हम चलते हैं काजा की तरफ और आपसे वहीं की मुलाकात होगी। और ये सोम है जो 650 चला रहा है।